लहसुन प्याज का इतना स्पाइसी सब्जी बनाना है जो थोड़ी देर में करते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि बिना लहसुन प्याज के इतना स्पाइसी सब्जी सावन के महीने में आप कैसे खाएंगे। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हम बिना लहसुन प्याज का आलू परवल की सब्जी बनाएंगे। देखिए कि बिना लहसुन प्याज की आलू परवल की सब्जी कैसे बनती है। तो देखिए मैंने आलू टमाटर ले लिया, आलू परवल यहाँ पर मैंने तेज पत्ता लिया है, हींग लिया है, जीरा लिया है और यहाँ देखिए मैं मसालों में क्या ली हूँ, अदरक है, काली मिर्च है, जीरा है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, इनका मसाला हम तैयार करेंगे। तो धैर्य मेरे चैनल पर। और यहाँ देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें परवल को भून लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए जीरा हींग तेज पत्ते को इसमें डाल देंगे, आप देख सकते हो, और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। अब इसमें हम परवल डाल देंगे और ये बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही कम तेल में आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे परवल को, और ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। ये देखिए तो मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बिना लहसुन प्याज के भी आप कैसे आलू परवल की सब्जी टेस्टी बना सकते हैं। ये देखिए बने रही मेरे चैनल की। ये देखिए अब हम परवल को थोड़ा सा ढक देंगे और इसको हल्का लाल फ्राई होने तक भूनेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बनाई जाती है। ये देखिए हमारा परवल धीरे धीरे भून रहा है, इसको हम लाल होने तक भूनेंगे, ढक के इसको भूनेंगे। यहाँ देखिए हमारा स्पाइसी मसाला तैयार हो गया, जो इस सब्जी को बहुत ही गजब स्वाद देगा। इसमें मैं हल्दी और नमक डाल दूँगी। ये देखिए इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, मैंने इस स्पून से लिया है, 1.5 चम्मच हल्दी डालूंगी और स्वादानुसार नमक। ये देखिए अभी मसाले में इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा परवल धीरे धीरे भून रहा है, इसको बिल्कुल लाल नहीं तक भूनेंगे, आप ये देख सकते हो, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। ये देखिए हमारा परवल अब भून चुका है, इसमें हम आलू डालेंगे और आलू डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनाई जाती है, एक बार आप ज़रूर स्टाइल से ट्राई कीजिए बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी। क्योंकि अब सावन का पावन महीना आ रहा है और उस महीने में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से स्पाइसी सब्जी बना के घर बैठे आनंद ले सकते हैं। ये देखिए कल से सावन शुरू होने वाला है, ये देखिए अगर सावन स्पेशल आपको सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। अब देखिए अब इसको हम ढक देंगे और ढक के अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए हमारा आलू भी फ्राई हो रहा है, इसको भी हम और अच्छे से एकदम लाल होने तक फ्राई करेंगे ढक ढक के। देखिए अरे बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ देखिए मैं टमाटर कट कर लिया है, और ये मसाले में मैंने जो हल्दी नमक डाला था उसको मिला लिया है, और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती लिया है। अब बस इन्हीं मसालों का यूज करूँगी जब ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा आलू और परवल फ्राई हो चुका है, और जो मसाला हमने तैयार किया है उस मसाले को इसमें डाल देंगे। प्लीज़ साउंड को आप इग्नोर कीजिए, उस मसाले को डाल के और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, जैसे मसाले इसमें अच्छी तरह से पक जाए, आप देख सकते हो। ये देखिए अब हम मसालों को इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ी देर, और थोड़ा ढक के। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का यूज किया है। तो इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे, सब्जी में अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए हम टमाटर को अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हो हमारा सब्जी दिखने में कितना स्पाइसी लग रहा है, बिना लहसुन के आपका सब्जी तो टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए टमाटर को अच्छी तरह से हम सब्जी में भूनेंगे, आप देख सकते हो। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप दिखा रही हूँ कि बिना लहसुन प्याज के भी आप कैसे टेस्टी सब्जी बना सकते हो। Gracias.
थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता डाल के इसको हम थोड़ा देर भूनेंगे। मैंने इसे हल्का सा पानी रखा है, उसको भून के हम कुकर में एक सीटी लगाएंगे। अनार सब्जी बन के थे, आप देख सकते हो कितना ये अमेजिंग सब्जी दिख रहा है ना। देखो मैं पास आपको दिखाती हूँ, और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। बने रही हमारे चैनल पर। देखिए हमारा सब्जी भून चुका है, अब इसको हम कुकर में डाल के एक सीटी लगाएंगे। देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए हम सब्जी को कुकर में पलट देंगे। ये देखिए मैंने इसको कुकर में डाल दिया, तब ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए हमारा बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे चैनल। हैप्पी सावन।